हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? चलो ठीक है, छोटा सा मैराथन है। पेपर के पहले फटाफट देख लोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है। एनवायरमेंटल लॉज जो होते हैं, एनवायरमेंटल लॉज क्या होते हैं? वो लॉज जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं आर एनवायरमेंटल लॉज। ठीक है, एनवायरमेंटल लॉज आर नथिंग बट द लॉज विच आर मेड टू प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट। जैसे एयर, वाटर, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बनाए गए वो अभी हम पढ़ेंगे। इनके अंतर्गत कुछ कंप्लायंसेस मैंडेटरी होते हैं। कंप्लायंसेस मैंडेटरी होते हैं मतलब कि आपसे कुछ एडहीर करने को कहा जाता है, कुछ लॉज रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा जाता है, ताकि हम बिजनेस करने की प्रोसेस में, प्रॉफिट कमाने की प्रोसेस में एनवायरनमेंट को ना भूल जाए। ठीक है, तो चालू करते हैं। एनवायरमेंटल लॉज क्या क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट आप काट सकते हो। इंट्रोडक्शन के पार्ट में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अर्बनाइजेशन ने कई सारे सीवियर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे रीजनल लेवल पे हो, या ग्लोबल लेवल पे हो। ठीक है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इन इंडिया का ये एक बर्ड्स आई व्यू आपको दिया हुआ है, जो वैसे तो अन्यथा आपको काट लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सिर्फ देखना है कि हिस्ट्री थी किस तरह की, तो वो कुछ ऐसा है कि 1974 से चालू हुआ और उसके बाद कंटिन्यूअसली ये इंश्योर किया गया कि टाइम एंड अगेन एनवायरमेंटल लॉज को कड़क किया जाए, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या पब्लिक लाइबिलिटी क्रिएट की जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये इसीलिए बनाया गया ताकि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। रूल्स आए, एक्ट्स आए, अमेंडमेंट्स आए, और अभी भी चलता जा रहा है। जब भी कभी ऐसा लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट को घातक होने वाली, हार्म करने वाली अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन्हें तुरंत क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। गुड इवनिंग आशिका, तो हमेशा टाइम विश करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। अब सबसे पहला जो एक्ट है 1974 का, उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इन रिलेशन टू वाटर को रोका गया। तो भाई, द वाटर एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। द वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, ये हमने देखा है, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, कि एफ्लुएंस या जो केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से निकलते हैं, उनको एक सही जगह पे हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जो फर्टाइल लैंड है, या जहाँ पे बफेलोस, काउज, या जो विलेज का पानी जहाँ से सप्लाई हो रहा है, या अर्बन या रूरल कहीं भी किसी एरिया में अगर वहाँ वो मेन वाटर लाइन से जुड़ता हो, तो ऐसी जगह एफ्लुएंट्स नहीं छोड़े जाने चाहिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि वाटर की होलसमनेस, होलसमनेस मतलब कि वो फिट टू यूज, प्रॉपर टू यूज है कि नहीं, ये चीज देखी जा सके। ठीक है, द वॉटर एक्ट प्रोहिबिट्स द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज बियॉन्ड अ गिवन स्टैंडर्ड। आप एक स्टैंडर्ड तक, एक लिमिट तक तो आपको अलाउड है कि आप जहाँ पे आपको एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज करने बोला गया है वहां पे डिस्चार्ज कर सकते हैं, पर उसके ऊपर अगर आपने अपने स्टैंडर्ड्स को तोड़ा, अगर आपने लिमिट के बाहर एफ्लुएंट्स वहां उस वाटर बॉडी में रिलीज किए हैं, या ऐसी इनफर्टाइल लैंड में भी कई बार गहरा गड्ढा खोद के वहां पे एफ्लुएंट्स को डाल दिया जाता है, तो अगर आपने इन लिमिट्स को तोड़ा है, तो भी आपको इस नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज आपके ऊपर लेवी की जाएंगी। एट द सेंटर, द वाटर एक्ट हैज बीन सेट अप द CPCB which lays down standards for the prevention and control of water pollution. State level पे ये क्या होती हैं? State SPCBs होती हैं, और सेंट्रल पे ये CPCBs होती हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, हो गया। ये क्या है बेसिकली, SPCB एंड CPCB, these are boards for pollution control. ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो बोर्ड है वो CPCB कहलाता है, और स्टेट वाला पोल्यूशन कंट्रोल के जो बोर्ड बना है वो SPCB कहलाता है। फर्दर, द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1977 टू प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ अ सेस ऑन वाटर कंज्यूम बाय पर्सन ऑपरेटिंग एंड कैरिंग ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। आपने कई बार देखा होगा कि जो वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के द्वारा, आई मीन इंडस्ट्रीज के द्वारा, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो आपको ड्रिंकिंग वाटर को वहां पे इस्तेमाल नहीं करना। ये दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अगर वहां पे इंडस्ट्री में कोई वाटर प्रयोग होने वाला है, तो वो अच्छा पानी या फिल्टर्ड वाटर, ऐसा वाटर यूज ना किया जाए जो नॉर्मल लोगों के पीने के लिए काम में आता है। हर प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वाटर का यूजेज अलग अलग होता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे किसी इंडस्ट्री में बी टाइप का पानी यूज होना चाहिए, और अगर आपके पास, आप वहां पे ए क्वालिटी टाइप का पानी यूज कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। भैया, फिल्टर्ड वाटर क्यों यूज कर रहे हैं जहाँ पे बी टाइप ऑफ वाटर यूज किया जा सकता है।
ठीक है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, एक्ट जो लास्ट 2003 में अमेंड हुआ उसके अंतर्गत आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एसपीसीबी को, प्रोवाइड एक्सेस टू दी एसपीसीबी। अब अगर कहीं पे कोई निश्चित टाइप का पानी यूज करना हो, आप वहां गंदा पानी यूज कर रहे हो, तो ऐसे में सैंपल्स लिए जा सकते हैं। एसपीसीबी कभी भी आपकी इंडस्ट्री में एंट्री लेके ये चीज का चेकिंग या ऑडिट कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है, ऑब्टेन कंटेंट टू कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंसेंट टू ऑपरेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड एंड सो फोर्थ। आपको ऐसे कंसेंट ऑब्टेन करने हैं, मतलब आप बिना मर्जी, बिना प्रॉपर एडहेरेंस टू द लॉज एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरह से पानी का गलत उपयोग नहीं कर सकते। पानी में गलत प्रकार के एफ्लुएंट्स बियॉन्ड अ सर्टेन स्टैंडर्ड या लिमिट रिलीज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और आप पे सेस भी इम्पोज किया जाएगा। अगेन, अगर आपने सेस का पेमेंट नहीं किया है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ चार्ज का अगर पेमेंट नहीं किया है जो आपसे कहा गया है, उसके लिए भी आपको क्या होगी, नॉन पेनल्टी ऑफ सेस, नॉन पेमेंट ऑफ सेस के लिए पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होते हैं, छोटे छोटे कंडीशंस है, अगर हम उन्हें फॉलो कर लें तो ये हमारे ही हित में है, क्योंकि आज हमको लगता है कि हम वाटर बॉडीज को खराब करके हम अभी प्रॉफिट बना ले रहे हैं, बट दिस इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो अभी की तादाद में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में फैल रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे रोकें और हम अपना वाटर यूसेज भी कंट्रोल करें, करेक्ट। इसके बाद जो पोर्शन है आप उसे काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी वन मिनट। थैंक यू, मुझे थोड़ा सा पानी पीना था, थैंक यू थोड़ा सा टाइम देने के लिए। नेक्स्ट, अगला है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 इज एन एक्ट to provide for the prevention, control and abatement of air pollution and for the establishment of boards at the central and state levels with a view to carrying out the aforesaid purposes. अब क्या कहा गया है कि जैसे water prevention and control of pollution act था, वैसे ही air को भी हमें protected रखना है। अब air protection के लिए क्या है, जो भी emissions हो रहे हैं, fuels जो यूज किए जा रहे हैं, उनसे निकलने वाला धुआं या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारी एयर की क्वालिटी को गिरा सकता है, क्या कहा मैंने, एयर की क्वालिटी, जैसे हम वहां पे वाटर की होलसमनेस की बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं कि हम एयर की जो भी क्वालिटी है उसे इम्प्योर ना करें। सीधी बात है, हम सांस लेते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एयर का इनहेल कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन अपने बॉडी में डाल रहे होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन इम्प्योर रहेगी तो सोचो क्या होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने अगर एयर में पॉल्यूशन छोड़ दिया है तो वो सिर्फ हमें हार्म करेगा, वो आपको खुद को भी हार्म कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अगेन एसपीसीबी और सीपीसीबी, ये जो बोर्ड्स हैं, ये चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो एयर की क्वालिटी है उसमें किसी प्रकार की गिरावट नहीं आनी चाहिए, जो कि आ रही है ऑन डेली बेसिस, पर ये रेगुलेशंस हैं तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल है। अगर ये रेगुलेशंस नहीं होते, ये एक्ट नहीं होते, तो सोचो क्या हो गया होता था अब तक, राइट। अंडर दिस स्टैट्यूट वन हैज टू कंप्लाई, अगेन द पॉइंट्स आर सेम, कंसेंट टू एस्टैब्लिश, मतलब आप अपनी इंडस्ट्री, आप अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के बाद अगर आप किसी प्रकार का कुछ गलत कार्य या गलत तरीके से आप वहां पे चीजें चला रहे हैं, जैसे कुछ प्रकार के केमिकल्स अगर यूज करना अलाउड नहीं है क्योंकि उनकी फ्यूम जहरीली है, तो आपको ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो फिर आपको कंसेंट टू ऑपरेट लेना पड़ेगा। कंसेंट टू ऑपरेट आपको कब मिलेगा, जब आप उनके स्टैंडर्ड्स में फॉल होंगे और आप सही तरीके का मटेरियल या केमिकल इस्तेमाल कर रहे होंगे। वैसा ही सब यहाँ पे आपको, जैसा वाटर के केस में था, वही सेम चीजें एयर के केस में भी रहेंगी, ठीक है। अगेन, अब यहाँ पे आपको चेकलिस्ट आ गई है, चेकलिस्ट आप काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक बहुत बढ़िया एक्ट था और बहुत चिंतन और मनन के बाद इस एक्ट को पास किया गया है। इस बेसिकली इस एक्ट के आने के पीछे का जो पर्पस है उसे आप हाईलाइट करेंगे। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क, क्या एस्टैब्लिश करता है ये, पहला टू स्टडी, टू प्लान एंड टू इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी। हम सिर्फ आज के हिसाब से नहीं सोच सकते हैं, व्हाट वी आर डूइंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, हमें ये भी क्वेश्चन है जिसका आंसर लगातार करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत स्टडी, रिसर्च वर्क, प्लानिंग की जाएगी, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे वो चीजें जो फ्यूचर में जाके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते
सकें, और ऐसे कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या किए जाएंगे, ले डाउन किए जाएंगे, ठीक है, जिससे अभी जो चीज़ें हमें हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेटन कर रही हैं उन्हें हम तुरंत के तुरंत क्या कर सकें, उसके लिए स्पीडी या एडिक्वेट रिस्पॉन्स खड़ा कर सके अगेंस्ट दी थ्रेटनिंग सिचुएशन जो हमारे सामने इस समय है, एंड विच इज द डिग्रेडेशन ऑफ आर एनवायरनमेंट ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आर्कटिक आइस, हमारे इंडियन ओशन में जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसके लिए हम ही जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, ठीक है। अंडर द एनवायरनमेंट एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक मेजर्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशंस एंड डिस्चार्जेस ऑफ पोल्यूशन। भाई जो पोल्यूशन हो रहा है, जो एमिशंस हो रहे हैं, उनके लिए हम किसी प्रकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी क्वालिटी ऑफ एयर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी होलसमनेस ऑफ वाटर। अगर इंडस्ट्रीज को इस प्रकार के हम स्टैंडर्ड्स बताएंगे, जैसे खुद सोचिए कंपनीज एक्ट में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं, मीटिंग ऐसे ही होगी तो लोग फॉलो करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी एमिशंस के ऊपर, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, एक प्रकार के स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएंगे कि आप इस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं जा सकते, अगर आपने ये लिमिट क्रॉस करी तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, बात खत्म, ठीक है। इससे ये होगा कि जो हजार्डस वेस्ट है, जो भी एफ्लुएंट्स हैं, वो नॉर्मल वाटर बॉडीज में मिलेंगे नहीं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बनी रहेगी, एयर की क्वालिटी बनी रहेगी, जिससे हमारा ही फ्यूचर में रहना अच्छा होगा, ठीक है, हम अपने लिए ही एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। In case of any non-compliance or contravention of the Environment Act or of the rules or directions under the said Act, the violator shall be punishable with imprisonment up to 5 years or with fine up to ₹1 lakh or with both. क्या किया जाएगा? 5 साल की का imprisonment, 1 lakh की penalty up to, या दोनों भी आपके ऊपर implement किया जा सकता है। अगर violation का continuation होता है तो 5,000 की every day की penalty आप पे क्या कर दी जाएगी? Implement कर दी जाएगी। Further, if the violation continues beyond a period of 1 year from the date of conviction, मेरे साथ साथ इसे highlight करते जाइए क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ने का है। The offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years. 7 साल तक भी extend हो सकता है imprisonment. ठीक है, तो इसलिए अगर थोड़ा सा हमने बात मानी तो हम अपनी हेल्थ, अपने परिवार वालों की हेल्थ, आगे आने वाली जनरेशन की हेल्थ और जेल जाने से बच सकते हैं। तो हमें ये चीज इंश्योर करनी है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, वरना रहेंगे कहाँ? पैसा कमा लेंगे पर उसका करेंगे क्या? पैसा हमें पानी, पैसा हमें एयर खरीद के नहीं दे सकता, राइट। अंडर दिस एक्ट वन इज नेसेसिटेटेड टू, अब ये सारी चीजें आपको गाइडलाइंस की तरह लगाई गई हैं, एक बार इसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई डिस्चार्जेस नहीं होने चाहिए, गलत डिस्चार्जेस नहीं होने चाहिए, एमिशंस नहीं होने चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है, कोई सीन इवेंट है, कोई एक्सीडेंटल इवेंट्स है, उनके रिलेशन में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, कंप्लायंस जो भी हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज का ऑडिट करने की परमिशन है, इस चीज को चेक करने की परमिशन है, आपकी इंडस्ट्री से सैंपल्स लिए जा सकते हैं, आपको एक एनवायरमेंटल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा टू दी SPCB, आपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए बोर्ड को आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिससे आप ये बताएंगे कि आप एनवायरमेंटल को किसी भी प्रकार से डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये चेकलिस्ट है जो कि कट हो जाएगी। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट क्वेश्चंस इधर से थोड़े थोड़े आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इज टू प्रोवाइड अ कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस कैन बी रिप्लेस। आयुष इज सेइंग पेरेंट्स, वाटर, एयर, नॉलेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय मनी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। Is to provide the compensation for damages to victims of an accident of handling any hazardous substance, or it is also called to save the owner of production storage of hazardous substance from hefty penalties. This is done by providing compulsory insurance for third party liability. As from the name of the act, it is public liability insurance. किसी व्यक्ति को hazardous substance, ऐसे कुछ accidental जो accidents जो हो जाते हैं at the time of handling the hazardous substances, उनके damages से बचाने के लिए ये एक तरह का public liability insurance act एक पास किया गया है। First time owner is to put an anvil to provide the compensation oblique relief when death or injury to any person or damage to any property has resulted from an accident of hazardous substance. अगर hazardous substance से आपका कोई नुकसान हो जाता है, injury हो जाती है, permanent या
टेम्पररी नेचर की, पार्शियल या होल नेचर की, या डेथ हो जाती है, तो ऐसे में आपको सामने वाले को कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली द ओनर शेल बाय वन और मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज बिफोर ही और शी स्टार्ट्स हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस। तो आपको ऐसे हजार्डस सब्सटेंस को डील करने के पहले ही क्या कर लेना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेनी चाहिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ दिस काइंड। द सेलियंट फीचर्स ऑफ कंप्लायंस अंडर दिस एक्ट आर, ये लिस्टेड है, इसको पढ़ लोगे, याद कर लो, क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। भोपाल गैस वाले के बाद बनाना था क्या ये एक्ट? भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ये सारी चीजों का जन्म हुआ है, और कई सारे ऐसे एक्ट्स और सप्लीमेंटल पास किए गए हैं, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे हमको पता है सिक्योरिटीज लॉस के लिए सैट इज देयर, कंपनीज के लिए एनसीएलटी एंड क्लैट इज देयर, वैसे यहाँ पे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में जो हुई थी उस टाइम पे इसको दिमाग में रख के बनाया गया था, एंड इट इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आप प्रॉफिट कमा कमा के खुद तो बहुत अमीर हो रहे हो, पर व्हाट अबाउट द सोसाइटी जिसके आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो? तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, अपने ग्रोथ के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि आप ऐसा कुछ नुकसान तो एनवायरमेंट का नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट बनाना इज नॉट द अल्टीमेट मोटिव, भाई बिजनेस हाउसेज हैं, आपको प्रॉफिट बनाना है खुशी की बात है, बट नॉट एट द स्टेक ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, नॉट एट द स्टेक ऑफ द सोसाइटीज इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई पल्यूटर है जो एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है तो ही हैज टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी अकरिंग फ्रॉम दैट, ठीक है। ये वही वाली बात है, डोंट टिकल द ड्रैगन इफ यू कांट बेयर द हीट, राइट। तो ये इससे इसको समझना काफी है, चलिए आगे चलते हैं। द एनजीटी एक्ट हैज बीन इनएक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ establishment of a national green tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property for the matters connected therewith and incidental thereto. In sare matters se incidental ya connected jo bhi matters rahenge environment ke relation mein, unke sare jo cases hai wo kahan jayenge, NGT ke paas jayenge taki speedy disposal ho sake, ठीक है। एम आई ऑडिबल? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगेन स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल है, लीगल राइट्स रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट को एनफोर्स करना है, एंड इट आल्सो अकाउंट्स फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन एंड रिलीफ टू इफेक्टेड पीपल फॉर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। किसी का नुकसान हो गया, कोई व्यक्ति का नुकसान हो गया, किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना भी इस एनजीटी के ऑब्जेक्टिव में कवर होता है। पावर ऑफ एनजीटी क्या है, तो ये सबको इंक्लूड करता है एनजीटी अपने अंदर, ठीक है। एनजीटी के जो भी प्रोसीजर्स हैं वो खुद ही खुद रेगुलेट होते हैं, ये सिविल प्रोसीजर कोड के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, रैदर ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। अगर अभी पूछा तो ये देखो मुक्का आ रहा है पास होता हुआ कैमरा से, ठीक है। इसके बाद का जो भी पॉइंट है आप इसको कट कर सकते हैं, मेन यहां तक पढ़ना है, इतना पढ़ ही लेना, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ तक पढ़ लेना, नहीं समझ में आता है तो मुझसे चैट पे कमेंट पे पूछ लेना, ठीक है। इसको कट करते चलो और यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्तम, ठीक है। जितना जितना मैंने पढ़ाया है इसको रिवीजन कर ही लो, कल इससे तीन तीन मार्क के दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, या पांच मार्क का एक क्वेश्चन इससे आएगा ही, पढ़ के रख ही लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, फटाफट जाओ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जाओ फटाफट पेपर दो और इसको पढ़ ही लो, इससे 3-3 मार्क्स के दो क्वेश्चन या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो ही, और इनफैक्ट लेबर लॉज वाले सेगमेंट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फटाफट पढ़ के कंप्लीट कर लो, थैंक यू।